सीरियल इमली का आज का एपिसोड काफी धमाल का होने वाला है, जहां पर आदित्य सच कबूल कर लेगा मालिनी के सामने कि वो इमली से प्यार करता है और इमली भी उससे प्यार करती है। और ये सुनते ही मालिनी उस पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि आपकी एक लड़की ने नहीं पता नहीं कितनी लड़कियों से अफेयर रहे होंगे, मेरे तो बेस्ट फ्रेंड मेरे पति ने ही धोखा दे दिया है और उस बहन ने धोखा दिया है और उस लड़की ने जिससे मैंने छोटी बहन की तरह प्यार किया और उसको बहुत ही बुरी तरह से कहते हुए नजर आती है, उस पर इल्ज़ाम लगाती है। और आदित्य उसे चुप करते हैं और कहते हैं एक बार मेरी बात सुनिए, इमली हमारी पत्नी है, वो भी पहली पत्नी। और फिर वो सारी सच्चाई बता देता है कि क्या हुआ था पगडंडिया में और जबरदस्ती उनकी शादी की गई और इमली ने आज तक उस रिश्ते को निभाया है भगवान का आशीर्वाद मानकर, जबकि हम उसे कुछ नहीं दे पाए। और उसके बाद दूसरी तरफ इमली यहाँ पर अपने सर पर पट्टी बांधकर निकल पड़ती है पगडंडिया के लिए। लेकिन जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुँचती है, सामने होते हैं यहाँ पर सत्यकाम और मिट्टी और उसे देख कर उसके होश उड़ जाते हैं। और मिट्टी यहाँ पर कहती है कि अब सच जानने का वक्त आ चुका है और सत्यकाम कहता है कि हम तुमसे मिलने आए हैं और आना पड़ा हमें। और इमली यहाँ पर एक सवाल करती है जिससे मिट्टी और सत्यकाम के होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पर इमली कहती है कि अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे बाबा का नाम क्या है। तो दूसरी तरफ मालिनी ये सच जानकर बुरी तरह से टूट चुकी है और मालिनी और आदित्य अपनी गाड़ी में वापस आ रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि मालिनी मन ही मन सोच रही होती है कि मैंने सब कुछ आज खो दिया और अब मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका है। ये सच है कि मैं और आदित्य और इमली के बीच आई हूँ, इनका रिश्ता तो भगवान ने जोड़ा है और मैं ही वो दूसरी औरत हूँ जो इन दोनों के बीच में आ गई। इमली ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, विराम मांगे ही, और मैंने उसके साथ क्या किया। तो वो काफी गिल्ट में होती है। तो दूसरी तरफ आदित्य को अब यहाँ पर सुकून मिलता है कि फाइनली उसने मालिनी को सच बता दिया और बेचारा उससे माफी भी मांगता है कि उन सब चीजों में मालिनी पिस गई। देखना इंटरेस्टिंग होगा अब जैसे कि न्यू प्रोमो जारी हुआ है जिसमें अब मालिनी अपना मांग का सिंदूर भी इमली को देते हुए नजर आएगी और अपनी गलतियों की माफी मांगेगी और आदित्य को हमेशा के लिए इमली को सौंप देगी। तो दूसरा सच भी जल्दी सामने आएगा जो कि है इमली के बाबा का, यानी मालिनी और इमली के बाबा भी एक ही है जो की उन दोनों की होश उड़ाने वाले है। तो भाई अब मालिनी इसके बाद क्या फैसला करेगी, देखना इंटरेस्टिंग होगा। वेल, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।